अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे बग और डीबगिंग के टर्म्स को, फिर हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ एरर्स, और उसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। बग, लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा बग को हमने टच किया था। बग से मुराद है किसी भी किस्म का एरर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ जाए प्रोग्राम को राइट करने के दौरान, दैट इज़ कॉल्ड बग। और उन एरर्स को फाइंड करना और उन्हें रिमूव करना, उस प्रोसेस को हम डीबगिंग कहते हैं। और ये हम पढ़ चुके हैं पीछे कि डीबगिंग का प्रोसेस जो है वो कंपाइलर परफॉर्म करता है। टाइप्स ऑफ एरर्स हैं, तीन तरह के एरर अगर कर सकते हैं, सिंटेक्स, लॉजिकल और रन टाइम एरर। सिंटेक्स किसे कहते हैं? अ कलेक्शन ऑफ रूल्स टू राइट अ प्रोग्राम इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड इट्स सिंटेक्स। वो रूल्स जिनको फॉलो करना होता है हमने प्रोग्राम को लिखते हुए, उनको सिंटेक्स कहा जाता है। जैसे सी लैंग्वेज में हमने पढ़ा कि आपकी जो हर स्टेटमेंट है वो सेमी कॉलन से टर्मिनेट होनी चाहिए, तो वो एक रूल है। अगर आप सेमी कॉलन नहीं लगाते तो आपका सिंटेक्स एरर आ जाएगा। सिंटेक्स एरर किसी भी टाइप की इनवैलिड स्टेटमेंट की वजह से आता है, और जब तक आपके प्रोग्राम में एक सिंगल सिंटेक्स एरर भी हो, आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो सकता, आपको एरर मैसेज शो होता रहेगा। फॉर एग्जांपल, कितनी तरह के हो सकते हैं, आपका स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिसिंग है, आपने कोई मिसस्पेल्ड कर दिया है कीवर्ड को, जैसे अगर एफ ओ आर फॉर है, आपसे डबल आर टाइप हो गया तो सिंटेक्स एरर है, या आई जो है इनपुट का वो कैपिटल है, आपने स्मॉल लिख दिया तो वो सिंटेक्स एरर है, या कोई डेलिमीटर आपका मिसिंग है तो वो भी सिंटेक्स एरर है। लॉजिकल एरर क्या है? जो प्रोग्रामर की पुअर लॉजिक की वजह से अकर करे, जिससे अनएक्सपेक्टेड और रॉन्ग रिजल्ट सामने आए। ये डिफ़िकल्ट टू फाइंड है, क्योंकि लॉजिकल एरर को कंपाइलर डिटेक्ट नहीं कर सकता, ये प्रोग्रामर ने खुद ढूंढना है। जैसे आपने ए लेस देन फाइव लिखना था, आपने ग्रेटर देन लिख दिया, या आपने एवरेज के फॉर्मूले में गलती से जो है वो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई को टाइप कर दिया, तो ये लॉजिकल एरर है। इनको कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स जो है वो आपकी स्टेटमेंट ठीक है। ये लॉजिकल एरर प्रोग्राम को खुद फाइंड आउट करना होता है। तीसरे टाइप है रन टाइम एरर का। ये ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अगर करते हैं, जब आप कोई इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करवा दें, जो रन टाइम एरर है वो हमेशा यूज़र की तरफ से रॉन्ग इनपुट की वजह से अकर होता है। जैसे आपने किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड कर दिया, अब कोई भी नंबर जब ज़ीरो से डिवाइड हो गया तो इन्फिनिटी हो गया, वो लूप चल जाएगी, आपका प्रोग्राम जो है वो क्रैश हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई रन टाइम एरर अकर किया है। अब तीनों टाइप के एरर में से जो मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर है वो लॉजिकल है, क्योंकि इसको ना ये एग्जीक्यूशन पे आपको पता चलना है, जो सिंटेक्स एरर है वो कंपाइलर डिटेक्ट कर देगा, और जो रन टाइम एरर है वो एग्जीक्यूशन के दौरान आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो लॉजिकल एरर है वो प्रोग्रामर की पुअर लॉजिक है, और उस जब वो रॉन्ग रिजल्ट्स देखेगा तो उसको खुद पूरे प्रोग्राम को रिव्यू करना पड़ेगा कि उससे कहाँ पे मिस्टेक हुई है। तो ये टाइप्स ऑफ एरर थे। लास्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है? अगर पूरा का पूरा प्रोग्राम आप सारा मेन फंक्शन में लिखते हैं, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उसकी एक ही मॉड्यूल में सारी की सारी लिखते हैं, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड है। और अगर आप छोटे छोटे मॉड्यूल्स, छोटे छोटे यूनिट्स बना लें, तो वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है। फॉर एग्जांपल, ये देखें, यहाँ मेन में मैंने एक ही में सारी स्टेटमेंट्स को शो किया हुआ है, ये अनस्ट्रक्चर्ड है। और इधर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग देखें, मेन में फंक्शन कॉल्स हैं, और फिर आगे दो फंक्शन है F1 और F2। F1 में अलग कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है, जब F1 की कॉल होगी तो कंट्रोल F1 के पास चला जाएगा, जब F2 की कॉल होगी तो कंट्रोल F2 के पास चला जाएगा। तो इस तरह से जब आप छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना लेते हैं तो प्रोग्रामिंग ईजी हो जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने बेसिक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है, जिसमें आपने सम, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करवानी है, अगर आप चारों चीज़ें मेन फंक्शन में लिखेंगे तो समझ आना मुश्किल है। जब आप चार फंक्शन बना लेंगे, अलग अलग छोटे मॉड्यूल बना लेंगे, और फिर मेन से उनको कॉल करेंगे, तो प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग जो है वो ईजी हो जाती है। तो ये फ़र्क है स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का, और सी लैंग्वेज आपको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है।
थैंक यू। आज हमारा जो है वो चैप्टर 8 एंड हो गया है। इसकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से देखेंगे और नेक्स्ट मंडे से हम इंशाल्लाह चैप्टर 9 की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।